बज बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, विलेज पौली, सरधना रोड, मेरठ। कई घटनाएं ऐसी सामने आई हैं जिसमें बदमाशों ने वर्दी पहनकर वारदात को अंजाम दिया हो, लेकिन मेरठ में अब ऐसा भी मामला सामने आया है जिसमें होमगार्ड ने ही लूट की घटनाओं को अंजाम दिया। यह होमगार्ड गिरोह बनाकर लूट की वारदात को अंजाम देता था। पुलिस ने होमगार्ड व उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। यह होमगार्ड मेरठ के नौचंदी थाने में भी तैनात रहा है और उसे अब नौचंदी थाना पुलिस ने ही गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार किए गए होमगार्ड का नाम संजय राघव उर्फ गुड्डू निवासी फूलबाग कॉलोनी मेरठ, जबकि उसके साथी का नाम लव ठाकुर उर्फ यदुवेंद्र सिंह निवासी तक्षशिला मेरठ है। गिरफ्तार होने के दौरान होमगार्ड को बराबर ये कहते सुना जा रहा था कि साहब गलती हो गई, आगे नहीं होगी। संजय राघव मौजूदा समय में टीपी नगर थाने पर तैनात हैं। एसपी सिटी विनीत भटनागर ने मीडिया को इस बारे में आज यह जानकारी दी। देखिए, ये कल थाना नौचंदी पुलिस के द्वारा जो है कार्रवाई की गई है और इसमें कुछ पुरानी कुछ घटनाएँ हैं जिनका खुलासा हुआ है। इसमें लिखनी बात यह है कि पुलिस विभाग के साथ जो होमगार्ड के रूप में जो है काम करने वाला एक व्यक्ति, वो भी इसमें गिरफ्तार किया गया है और इनके और एक और अपराधी, दोनों इन दोनों के साथियों के कब्जे से एक स्कूटी, एक घटना में लूटी हुई चेन और इस प्रकार से और कुछ इंक्रिमिनेटिंग चीज़ें जो है बरामद हुई हैं और इसमें पुलिस को सफलता मिली है। इनके कुछ और साथी हैं, उनके बारे में भी हम जानकारी कर रहे हैं। विवेचना के क्रम में जैसे साक्ष्य आगे आएंगे इस प्रकार से उसमें आगे कार्रवाई होगी। सर, इसमें मुख्य मास्टरमाइंड कौन है? देखिए सर, मुख्य मास्टरमाइंड घटना का, जैसे मैंने आपको बताया कि लव ठाकुर नाम का व्यक्ति है, उसके पास में काफ़ी आपराधिक इतिहास है और कुछ मर्डर्स के मुकदमे हैं, कुछ धारा 356 के, धारा 384 के मुकदमे हैं, गुंडा एक्ट है, गैंगस्टर एक्ट है और इसके साथ में स्कूल में पढ़ने वाला, कॉलेज में पढ़ने वाला संजय राघव नाम का व्यक्ति, जो कि वर्तमान में होमगार्ड के रूप में जनपद में कार्य कर रहा था, जगह जगह उसकी ड्यूटी लगती थी, इन दोनों ने मिलकर ये जो है घटना कारित करी है। इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।